दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू APUs के बारे में, जो कि आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, मार्केट में अवेलेबल भी है, सभी जगह पे अवेलेबल भी है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कंपैरिजन 5600G का वर्सेस 5600X, क्योंकि अभी इनकी प्राइसिंग तो आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं बाद में बताऊंगा वीडियो में, लेकिन आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, 5600G या 5600X, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है और ये कैसे आपके चॉइस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की, फिर प्राइसिंग बताऊंगा, फिर क्या ओपिनियंस है या क्या आपको करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। 5600G और 5600X, पहले तो ये ध्यान रख लो, दोनों ही जो CPUs है उनके जो कोर्स है वो एकदम सेम टू सेम है, सेम आर्किटेक्चर के है, तो जो CPU की परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाली है। दोनों में ही Zen 3 के कोर्स है, दोनों में ही आपको 6 Core 12 Threads देखने को मिल जाते हैं और दोनों ही Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 5600G की बात करें तो इसकी जो बेस और बूस्ट क्लॉक्स है वो है 3.9 GHz और बूस्टिंग है 4.4 GHz तक की, जबकि जो 5600X है उसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.7 GHz और जो बूस्ट क्लॉक है वो है 4.6 GHz की। दोनों ही 65W वाले CPUs है, दोनों की TDP सिमिलर है। 5600G में आपको PCIe 3.0 का 24 lanes देखने को मिल जाते हैं और 5600X में आपको PCIe 4.0 के 24 lanes देखने को मिल जाएंगे। कैश साइज की बात करें तो 5600G में आपको 5600X की हाफ कैश देखने को मिल जाती है। 5600X ऑफर करता है 32 MB की कैश, लेकिन 5600G में आपको मिल जाएगी 16 MB की कैश। 5600G में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, लेकिन आप ये मत सोचना कि ये ग्राफिक्स लेटेस्ट वाले हैं, ये जो GPU कोर्स यूज किए गए हैं ये वही पुराने वाले GPU कोर्स है, पुराने आर्किटेक्चर वाले, यानी वेगा आर्किटेक्चर वाले, जो कि आपको 2400G में मिला था, 3400G में मिला था, और जो 4000G वाले OEM APUs थे उसमें भी आपको ये वाला वेगा का आर्किटेक्चर वाले कोर्स देखने को मिले थे, और 5000G वाले CPUs में भी या APUs में भी आपको वेगा आर्किटेक्चर वाले कोर्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें RDNA वाला लेटेस्ट आर्किटेक्चर वाले जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो नहीं है, तो ये आप नोट करके ज़रूर रखना। तो इसमें आपको वेगा 7 कोर्स मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो इसको 2300 MHz तक ओवरक्लॉक कर सकते हो 1.35 volts पे, जो कि ठीक ठाक है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा, जो कि डिफ़ॉल्ट क्लॉक से उससे। और ये जो मेमोरी सपोर्ट करता है वो है 3200 MHz की मेमोरी को, और अब इसमें अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करनी है तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। जो टेम्परेचर्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है 65°C टू 75°C के बीच में, फुल्ली लोड पे, या अगर आप गेमिंग करते हो या कुछ भी काम करते हो, 65 to 75 के बीच में रहेगा। बाकी फैक्टर्स जैसे केस का फ़ैन ऑप्टिमाइजेशन, केस कैसा है, आपका एम्बियंस टेम्परेचर कितना है, वो यहाँ पे टेम्परेचर्स को अफेक्ट करेगा, लेकिन इसके बीच में ही ओवरऑल रहने वाला है। 5000G में एक गुड न्यूज़ ये है कि जो पुराने APUs में आपको कैसे जो लेंस है, अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाते थे तो जो आपको लेन का बैंडविड्थ है PCIe का, वो सिर्फ 8 lanes का मिलता था अगर आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाते थे फ्यूचर में 3400G या 3200G के साथ में। लेकिन 5000G में ऐसा फीचर है, क्योंकि न्यूअर आर्किटेक्चर है कोर्स के और न्यूअर जनरेशन के APUs है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया गया है। अब आप अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड फ्यूचर में पेयर करते भी हो 5600G के साथ में, तो भी आपको फुल 16x लेन का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन PCIe 3.0, क्योंकि उसमें PCIe 4.0 है ही नहीं, तो PCIe 3.0 में आपको फुल 16 lanes का सपोर्ट मिलेगा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाने पर भी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ, फिर इसके गेमिंग बेंचमार्क्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्राइसिंग की बात करें तो 5600G और 5600X दोनों की प्राइसिंग इंडिया में सिमिलर है। US की बात करें, जो कि इसकी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट MSRP है US में, US की जो प्राइसिंग है वो 18,000 rupees है, अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करें $250 के हिसाब से, 18,000 का APU है ये US में। अगर आप इंडिया में आते आते इसकी प्राइसिंग 10,000 बढ़ चुकी है, यानी 28,000 का ये आपको मिल रहा है, अगर आप लेना चाहो TPS टैग पे या बाकी जो भी जगह है, आपको 28,000 rupees का मिलेगा ये 5600G APU। तो आपको पता लग रहा होगा कितना बड़ा डिफरेंस है। US में जो 5600X की जो प्राइसिंग है वो है $300 की, इंडिया में आके ये बढ़ चुका है टैक्सेस वो सब लग के, और 5600G भी अगर टैक्सेस उतने ज़्यादा नहीं होते तो 20-22
23,000 का आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है टैक्सेस वो सब लग के, और प्रॉफिट लगा के भी जो सेलर्स का रिटेलर्स का यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो ओवरऑल 28,000 हो जाती है। तो यानी दोनों ही, जिसमें GPU है वो भी और जिसमें GPU नहीं है वो भी, दोनों ही आपको 27,000 to 28,000 के बीच में मिल रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी सिमिलर है। तो ये गेमिंग बेंचमार्क्स आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, और मैं आपको बाद में एक और प्रो टिप दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्ट बेंच के बारे में। तो 5600G APU है, 8GB की डुअल चैनल में आपको मेमोरी देखने को मिल जाएगी, यानी 8GB इंटू 2 स्टिक्स है, टोटल 16GB रैम है डुअल चैनल में, और इसकी जो लेटेंसी है वो CL16 वाली किट है, और रन कर रही है 3200 MHz पे, और सभी जो लिमिट्स है बायोस में वो डिफ़ॉल्ट सेट किए गए हैं। फार क्राई 5 को 720p नॉर्मल सेटिंग्स पे टेस्ट किया गया है, जिसमें एवरेज FPS जो मिलता है हमें वो है 59 FPS का, जो 99% है वो 50 FPS है, और अगर आप इसको ओवरक्लॉक कर लेते हो अच्छे खासे सेटिंग्स पे तो आप 67 FPS तक इजीली अचीव कर सकते हो। इसी गेम में अगर हम 3400G के साथ में कंपेयर करें तो ये आपको 54 FPS दे देता है। GTA 5 की बात करें 720p पे एकदम लोएस्ट सेटिंग्स पे DirectX 11 का यूज़ किया गया है, तो इसमें एवरेज FPS आपको मिल जाता है 137 फ्रेम्स पर सेकंड का, 99% है 97 FPS का, और अगर आप इसको ओवर क्लॉक कर लो तो आप 148 फ्रेम्स अचीव कर सकते हो। 3400G में आपको ये गेम सेम सेटिंग्स पे 110 FPS दे देता है। शेडो ऑफ द टोम रेडर की बात करें तो 720p पे लोएस्ट सेटिंग्स पे DirectX 12 पे आपको एवरेज FPS दे देता है 59 का, और 99% है 48 फ्रेम्स पर सेकंड का, अगर आप इसको OC कर लो तो 68 फ्रेम्स पर सेकंड तक आप अचीव कर सकते हो। 3400G में ये फ्रेम्स निकाल के देता है 52 फ्रेम्स पर सेकंड। तो ये तो थे इसके गेमिंग बेंचमार्क्स, और गेमिंग बेंचमार्क्स को देख के तो आपको समझ आ गया होगा कि 5600G का क्या पोटेंशियल है। अच्छा खासा आपको लोएस्ट सेटिंग्स पे गेमिंग करवा देता है, 1080p लेटेस्ट टाइटल्स पे मुश्किल है, 720p पॉसिबल है, लेकिन CSGO हो गया, वैलोरेंट हो गया, वो आप 1080p पे खेल सकते हो, लेकिन क्योंकि वो FPS गेम्स है मोस्टली आप ज़्यादा फ्रेम्स निकालने के लिए आप 720 पे ट्राई कर सकते हो। अब दोनों की प्राइसिंग सेम है तो कौन सा लेना चाहिए, अब इंडिया है ये तो यहाँ पे 5600G, क्योंकि अगर हम सेम इंटेल की स्ट्रेटेजी के साथ कंपेयर करें तो ये विद GPU वाला CPU है, यानी APU हो गया, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए विदाउट IGPU वाले से, लेकिन यहाँ पे सीन है कि दोनों का जो प्राइसिंग है वो काफ़ी सिमिलर है। तो अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे दो चीज़ें होगी, या तो 5600X का जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे आने लगेगा कुछ टाइम के बाद में, या जो 5600G है वो 28,000 का है तो वो 30,000 का यहाँ पे मिलने लगेगा, क्योंकि इसमें IGPU है। तो बहुत सारे सेलर्स है या मार्केट में ऐसा हो सकता है, हवा उड़ सकती है कि जो प्राइसिंग है वो 5600G की अपने आप 30,000 होने लगेगी, और सेलर्स भी रेकमेंड करेंगे क्योंकि अभी ग्राफिक्स कार्ड की वैसे ही शॉर्टेज है, तो वैसे भी सेलर्स और सब लोग रेकमेंड करेंगे 5600G लेने को, तो यहाँ पे प्राइसिंग भी उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है। तो ऐसे होने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस है, लेकिन अगर आपके पास पुराना कोई ग्राफिक कार्ड पड़ा है, GT 710, GT 1030 पड़ा है, चाहे विदाउट फैन वाला ही हो पड़ा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा 5600X के साथ जाने के लिए, क्योंकि उसमें आपको कैश साइज अच्छी मिल जाती है, PCIe 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है जिसको आप फ्यूचर में अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हो, और आपको X वेरिएंट का थोड़ा हायर एक वो एडवांटेज मिल जाएगा। अब एक और टिप है, अगर आप 5600G लेना चाहते हो तो आप करवा सकते हो NewX से इंपोर्ट इंडिया में, जो APU है ये आपको US में से इंपोर्ट होके इंडिया में आ जाएगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ये पहले कुछ कर चुके हो, इंपोर्ट कर चुके हो चीज़ें, NewX से भी कर चुके हो या कोई दूसरी वेबसाइट से कर चुके हो, आपको आइडिया है कस्टम्स का और कितना टाइम लगता है, कैसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे हैंडल करना है, अगर आपको इसका एक्सपीरियंस है तो आप NewX से ट्राई कर सकते हो, कि वहाँ पे ये आपको 18-19,000 का मिलेगा, 3-4,000 आपको अगर इम्पोर्ट ड्यूटी या जो टैक्स वैक्स भरना पड़े उस पर, तो भी ये जो CPU है 23,000 तक का आपको मिल सकता है इजीली, सब कुछ कस्टम्स वो सब भरने के बाद। तो अगर आप NewX से इम्पोर्ट करा सकते हो, एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर कर सकते हो, वरना एक्सपीरियंस नहीं है, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, तो आप इंडिया में 28,000 का इसको ले सकते हो। और बाकी मैंने बोल दिया कि आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो ये ले लो, बाकी ये सब आप पे भी डिपेंड करेगा, आपको भी अपना थोड़ा दिमाग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा कि आपके सिनेरियो के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट APU बैठेगा। किसी के लिए 5600X ज़्यादा बेटर रहेगा,
किसी के लिए 5600G बेटर रहेगा, किसी के पास ग्राफिक कार्ड है घर में पुराने 1050 Ti हो तो भी मैं रेकमेंड करूँगा 5600X ले लो, RX 560 हो या 550 हो तो भी मैं रेकमेंड करूँगा 5600X लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, आपको यूज़ नहीं लेना, आपको एकदम न्यू चाहिए, तो आप 5600G के साथ जा सकते हो। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको क्या लगता है 5600G के बारे में वो ओपिनियंस भी नीचे दे देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना अभी के अभी, शेयर भी कर देना, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए चैनल टेक्निकल गाइड KV को अभी के अभी कर लेना सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।